नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फुल टेक्निकल इंडिया चैनल पे और मैं मनोज पंडित। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या न्यू YouTube चैनल क्रिएट किए हैं तो आपको कौन कौन से ऐप्स की आवश्यकता पड़ने वाली है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और सबसे जरूरी कौन सी ऐप है मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताने वाला हूँ। आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि हम इस तरह का वीडियो लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऐप है दोस्तों ये है, आपने तो देख लिया वो कौन सा ऐप है, ये है क्रोम ब्राउजर। दोस्तों आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर होना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि आप सारे काम मोबाइल के माध्यम से अगर करते हैं तो क्रोम ब्राउजर के माध्यम से ही कर पाएंगे। और दूसरा ऐप है वह ऐप है, समझ में आ गया, ये भी जरूरी है, एक काइंड मास्टर होना जरूरी है और एक पिक यार्ड, क्योंकि हम काइंड मास्टर के माध्यम से हम वीडियो एडिट करेंगे और फोटो जो थंबनेल होता है थंबनेल को हम पिक यार्ड से एडिट करेंगे क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा थंबनेल एडिट होता है और वह बहुत ही अच्छा उसका प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप आसानी से थंबनेल को बना पाएंगे। और ये भी जरूरी है, दो ऐप ये और ये दोनों, एक ये हो गया YouTube क्रिएटर स्टूडियो ऐप, ये बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। और दूसरा ऐप है और ट्यूबबडी ऐप है। दोस्तों ये दोनों ऐप आपको सारे डेटा ला के देता है, वो देख सकते हैं कि हमारा YouTube चैनल किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, ये सारी जानकारी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। और जो ट्यूबबडी है, ट्यूबबडी में आप पता कर पाएंगे कि किस तरह का टैग लगा है, किस तरह का हम डिस्क्रिप्शन में टैग डाले या नहीं डाले हैं, क्या क्या हमने वीडियो के अंदर में डाले हैं और टाइटल किस तरह का है, सही है या नहीं, हमारा थंबनेल किस तरह का है, ये पांच तरह के जो होते हैं इंफॉर्मेशन वो बताते हैं ट्यूबबडी। और ये ऐप तो हर एक मोबाइल में मिल जाएगा, यूट्यूब जो सबके मोबाइल में मिल जाएगा, वो हर तरह के मोबाइल में कोई भी मोबाइल हो, और यूट्यूब तो एक मोबाइल के माध्यम से ही दिया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।